Guys, very good morning to all. Today I'm going to unboxing a treasure, and that is a hidden treasure, जो एक छुपा हुआ खजाना है बेसिकली. वो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुके हैं, मतलब एंशियंट. इट्स अ एंशियंट मोबाइल फ़ोन बेसिकली. वैसे एंशियंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रांड तो है नोकिया, बट इसके जो फ़ोन्स हैं जो पहले आया करते थे, जिनका बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, तो वो अब ख़त्म हो चुका है. एंड्रॉयड के बाद पहले सिम्बियन फ़ोन इसके आते थे और बहुत अच्छे गैजेट्स थे. मुझे याद है कि अपने चाइल्डहुड में इनको लेने के लिए हम मतलब मरा करते थे, तो वो चीज़ ध्यान है. तो उसमें से ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूँ. तो ये बेसिकली मेरे को शॉपक्लूज़ से ऑफ़र हुआ है, और एक बहुत ही चीप रेट में ऑफ़र हुआ है. यू डोंट बिलीव कि ये कितने का पड़ा है. तो और ये पढ़ा भी गया, मेरे कुछ पॉइंट्स थे, और बेसिकली ये सिम्बियंस को प्रमोट करने के लिए था. हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, पर्सनली मेरे को ये चीज़ अच्छी लग गई बस. तो लेट मी शो यू, दिस इज द shopclues.com. आई एम अनबॉक्सिंग दिस. पहले नोकिया की एक पैकेजिंग आती थी, अब पता नहीं वो नोकिया की पैकेजिंग होगी या किसकी होगी. नोकिया की पैकेज है, देख लीजिए. यू कैन सी दैट दिस इज द मॉडल आई एम लुकिंग फॉर, एंड दिस इज नोकिया E71. सो फ्रॉम वेयर इट विल बी फ्रॉम, आई गेस यहाँ से ही ओपन होगा. बड़ी हार्ड पैकिंग की हुई है इन्होंने. क्या यूज कर सकता हूँ मैं, अपनी कार की यूज कर लेता हूँ. ओपन तो हुआ है, बट इसमें मोबाइल है. मैं बड़ा डर रहा था कि इसमें मोबाइल नहीं निकलेगा. नहीं रे, दिस इज नॉट E71, ये E71 नहीं है. ये E71 का एक रेप्लिका मॉडल है. दिस इज FUCK. ये एक रेप्लिका मॉडल है E71 का, क्योंकि आई रिमेम्बर E71 बहुत ही एक डायमेंशंस में बड़ा गैजेट हुआ करता था, बट दिस इज जस्ट अ रेप्लिका. अभी ये ऑन भी नहीं हो रहा है, गैस देखते हैं इसमें और क्या क्या है. दिस वन चार्जर एंड दिस इज द ओके. यहाँ पे एक बैटरी है जो कि मुझे इसमें लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही ऑन होगा. ये मेरे को याद नहीं है क्या नोकिया कितना ही हुआ करता था. नहीं, ये रेप्लिका मॉडल है, ये 71 नहीं लग रहा मेरे को, पता नहीं. इसकी स्पेसिफिकेशन मेरे को ऑनलाइन चेक करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को एहसास होगा कि हाँ यही एक्चुअल मॉडल है. इसमें एक सिम लगती है, नहीं ये रेप्लिका ही है, बिकॉज उस समय जो सिम आया करती थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी साइज़ में. इसमें एक नैनो सिम का ऑप्शन है, तो डैट मीन्स इसको अभी ही डिज़ाइन किया गया है, और अगर अभी डिज़ाइन किया गया है तो ऑब्वियसली बात है रेप्लिका ही है, क्योंकि नोकिया इस समय इस तरीके के मॉडल भी बना नहीं रही है. चलो भाई कोई नहीं, बेसिकली एक वैसे भी जिस रेट का ये पड़ा है तो अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, मेरे को ये चार्ज करना पड़ेगा. चलो देखते हैं, मैं इसको चार्ज करता हूँ, उसके बाद आपको ऑन करके दिखाता हूँ. सो बेसिकली ये फोन जो मैंने अभी किया है अनपैक, अब इसको ऑन करने का टाइम है. तो ये यहाँ पर उसका ऊपर है पावर की, ऑन करते हैं. लेट मी शो यू कि क्या ब्रांडिंग आती है. मैंने अभी इसको ऑन तो किया है, अभी आगे से ऑन नहीं हुआ है. ठीक है, चेक कर लेते हैं वापस. सी द नोकिया
यहाँ पे ब्रांडिंग आ गई है नोकिया की, और वो पुराना लोगो भाई और देख के दिल खुश हो गया है। वो एक हाथ आगे लेफ्ट से बढ़ता था, एक राइट से बढ़ता था। सो दिस इज बेसिकली दिस इज द फोन, लेट मी शो यू फर्स्ट। बेसिकली ये फोन है वो, तो ये इसकी वर्किंग है, ये सारे क्वालिटी कीपैड है। अब ये मुझे पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये AT&T मे बी ये हो सकता है रेप्लिका मॉडल जो इस समय कंपनी बना रही है उसका ये लोगो है, बट एक्चुअल में ये फ़ोन नोकिया का ही है। और इसमें मैं अभी चेक करते हैं टूल्स और सेटिंग्स में जाकर के, जो हम जो अबाउट फ़ोन हम चेक किया करते थे उसी को मैं चेक करूँगा अभी। अब वही चीज़ें मैं चेक करने वाला हूँ कि जिससे ये पता लग सके कि इसकी इंटरनल ब्रांडिंग क्या आ रही है, फैक्ट्री ईमेल वगैरह। अभी ऐसा मेरे याद नहीं, एंड्रॉयड यूज़ करते करते इसकी कोई आदत ऐसी रही नहीं पहले कभी, बहुत पहले। नाउ दिस इज 2023 और ये मैंने तकरीबन यूज़ किया था 2007 और 6 में। तो जब मैंने इसको ऑन किया तो इस पर 2011 की डेट आ रही थी। स्विच सेटिंग्स मोड्स वीडियो कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन इंक्रिप्शन स्पीच वॉइस एट थीम प्रोफाइल डिवाइस मैनेजर आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो एग्जैक्टली इसमें अभी मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा फ़ोन तैयार है। अब इसमें मेरे को ये इसके जगह पे हैं USB केबल के लिए जगह है, मेमोरी कार्ड के लिए जगह है, और इसमें जो सिम लगेगी वो पीछे लगेगी। सो दिस इज़ द फोन ऑल अबाउट। सो बेसिकली ये एक फ़ोन है जो मैंने शॉपक्लूज से ऑर्डर किया है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगा अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई भी नोकिया का एक सिम्बियन गैजेट यूज़ करने के लिए। तो ये है E71 है, वहाँ पर 5235 के कुछ मॉडल थे, और भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं पुराने ब्लैकबेरी द ओल्ड स्कूल ब्लैकबेरी मॉडल्स, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज में नहीं है, और अगर आप एक शॉपक्लूज की मेंबरशिप के तहत इस चीज़ को लेते हो तो ये आपको लाइक ऐसा पड़ेगा मूँगफली के प्राइस में, कितने ही सस्ते फ़ोन है ये। कोई भी मेरा भाई सिम्बियन गैजेट आज की तारीख में यूज़ करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं एक ओल्ड स्कूल एक्सपीरियंस कर सकूँ वापस, जैसे वो नोकिया है, ब्लैकबेरी है, सैमसंग के तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स नहीं थे, सैमसंग के तो आज भी लगभग ऐसे ही मॉडल हैं, सिर्फ उनका सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है वो एंड्रॉयड हो गई है। नोकिया एक्चुअल में एंड्रॉयड बहुत लेट हुआ था, तब तक एंड्रॉयड एक अच्छा खासा उम्र का खेलता कूदता बच्चा बन चुका था, उसके बाद नोकिया ने एंड्रॉयड के साथ जो है टाई अप किया, बट उनके वो गैजेट जो एंड्रॉयड से लेस थे वो चल नहीं पाए। और उससे पहले उन्होंने विंडोज़ से हाथ मिलाया था, उनके विंडोज़ वाले फ़ोन भी ज़्यादा चल नहीं पाए। तो यू नो एक्चुअली आई फाइंड दीज फोन मोर वैल्यूएबल देन दैट ऑफ विंडोज़ एंड एंड्रॉयड फ्रॉम नोकिया। ये अभी भी मुझे इस समय बहुत अच्छा गैजेट ये महसूस हो रहा है। अब ये जब मेरे हाथ में आ रहा है ना, तो यू कैन चेक लाइक कि इसकी डायमेंशन क्या है। दिस इज़ द डायमेंशन। अब मुझे ये याद भी नहीं है कि एक्चुअल जो E71 की डायमेंशन थी वो इतनी ही थी या इससे मतलब इससे ज़्यादा थी, या एक तो हमारे हाथों को आदत हो चुकी है एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ने की, जो कि बहुत बड़े फ़ोन हैं। तो अब इस गैजेट को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो लेस डायमेंशन वाला फ़ोन है, और बस यही है जो कुछ है। तो मे बी इसका मैं इंटरनेट से एक बार डायमेंशन ज़रूर चेक करूँगा, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि ये फ़ोन रेप्लिका मॉडल है या ओरिजिनल मॉडल है। चलो ऐसी कुछ और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा, फॉलो माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूंगा दोबारा विद सम अनदर थिंग लाइक दिस।